नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नमस्कार दोस्तों, आगामी जे 14मी तारीख एटले के मकर संक्रांति ना दिवस आपणे सौ एक साथे भेगा थईए अने एक आवाज में एक टाइम पर एक जग्या पर जे जग्या पर हो, तमे धाबा पर तो धाबा पर, ग्राउंड में, मंदिर में, घर में, तमे जे स्थल पर हो ए स्थल पर सांजे 7 वागे आपणे सौ एक साथे अपना एक साथ सूरनी साथ आप हनुमान चालीसा पाठ करिए। हनुमान चालीसा पाठ करने आप उद्देश्य ये कि आज महामारी आखू विश्व संपड़ाई गयु है, आज तीजी लहर आई है एनी अंदर भी आपने हनुमान जी एक कवचरूप बनी आपने सौ ने रक्षा करे। ए उद्देश्य अमे राम सेवा संघ द्वारा उत्तरायण दिवसे सांजे 7 वागे आखी जनता ने एक नम्र अपील करवा आया है के सौ एक साथे मळीए अने आपणे सांजे 7 वागे हनुमान चालीसा नुं गायन करिए अने हनुमान चालीसा एक कवच रूप बनीने आपणी रक्षा करे ए हेतु छे। आ उद्देश लीधो छे अने आप सौ अमारी साथे जोडाशो अने जे जेने भी आ संदेश मळे ए बधा थकी बधाने पहोंचाडशे अने सौने एक साथे मळीने सांजे 7 वागे हनुमान चालीसा आपणे करीए ए अपील साथे। हूँ गोविंद शाह, नमस्कार, भारत माता की जय। नमस्कार वडोदरा वासीओ, संस्कारी नगरी वडोदरा तमाम लोगों ने मरी एक राम सेवा संघ तरफ थी अरजी छे, रिक्वेस्ट छे के आवनार 14मी जान्युआरी सांजे 7 वागे आपने सौ भेगा मळीने पोतानी मोबाइल नी टॉर्च चालू करी साथे 7 वागे हनुमान चालीसा गईए। हनुमान जी माटे एवं कहेवामां आवे छे के हनुमान जी ए जागृत देव छे अने वडोदरा वासीओ कोईपण परिस्थिति में कोईपण मुश्किली में पोतानो रस्तो काढ़ी अने काम करे छे। कदाच आपणाथी लाउडस्पीकर के डीजे वगाड़ी न शकाय तो पण वडोदरानी जनता जो 14मी जान्युआरी सांजे 7 वागे एक साथे हनुमान चालीसा गाशे, गान करशे तो एनो अवाज एटलो मोटो हशे कि कदाच 1000 लाउडस्पीकर करता पण ए अवाज मोटो हशे। એટલે મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે કે અને એના માટે એક કહેવત પણ કહેવામાં આવી છે એક કે મુશ્કેલો સે જો ડર જાય વો જલીલે ખા હોતે હે, બદલ લે વક્ત કી રફ્તાર વહીં ખુદદાર હોતે હે, યું તો હજારો કષ્ટ યા દુખતી હે ખુદા કે ભરોસે, મગર ચપ્પુ જો ચલાએ વહીં અક્ષર પાર હોતે હે। આ એક સારા ઉદ્દેશ, એક સારી ભાવના કે એક હનુમાનજીનું કવચ આખા વડોદરા શહેરમાં સ્થાપિત થાય અને વડોદરાવાસીઓનું આ રોગ સામે રક્ષણ થાય અને એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ હેતુસર ફરી એકવાર આપ સર્વ વડોદરાવાસીઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે 14મી જાન્યુઆરીએ સાંજે 7 વાગે આપ સર્વ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશો એવી નમ્ર વિનંતી છે। જય હિન્દ, જય ભારત, જય શિયા રામ।